दोस्तों आप लोग महाभारत तो सभी देखे हैं और महाभारत संजय को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध में कब तक रही थी संजय की दिव्य दृष्टि? आखिर संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी जो अपना सारा चीज धृतराष्ट्र को बताते थे और युद्ध में जो जो होता था सभी चीज से परिचित कराते थे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उसका दिव्य दृष्टि कब तक रही थी और कब खत्म हो गई थी? इसके बारे में आज आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। यानी कि ये तो आप सभी जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति, यानी कि केबीसी के नए सीजन में अमिताभ बच्चन ने हॉट सीन पर प्रतियोगिता से एक सवाल पूछा था कि महाभारत संजय की दिव्य दृष्टि युद्ध में किसकी मृत्यु तक बनी रही थी, लेकिन जैसे ही महाभारत की इस योद्धा की मृत्यु हुई उसके साथ ही धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे संजय को वो भी दृष्टि खत्म हो गई थी। आखिर इस सवाल पर उसमें से तीन विकल्प दिए गए हैं, उसमें भीष्म, द्रोण और दुर्योधन शामिल थे। सवाल का जवाब देने से प्रतियोगिता को काफी दिक्कत हुई थी, उसे दो लाइफ लाइन लेनी पड़ी थी। क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं, और हम आपको इस सवाल का जवाब तो बताएंगे ही, लेकिन साथ में ये भी बताएंगे संजय कौन थे और उन्हें दिव्य दृष्टि किसने दी थी, कैसे मिली थी इसके बारे में भी, और साथ में ये भी बताएंगे कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। हम लोग हमेशा महाभारत में संजय की चर्चा तो करते रहते हैं, जिन्हें उस युद्ध का सजीव वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए विशेष दिव्य दृष्टि मिली थी, लेकिन आखिर कौन थे संजय? महाभारत से लेकर आज तक वो क्यों अमर है? उस युद्ध के बाद उसका क्या हुआ? वैसे आपको बता दें कि वो जाति से बुनकर और धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे, लेकिन संजय महर्षि वेद व्यास के शिष्य भी थे। वो धृतराष्ट्र की सभा में शामिल भी हो चुके थे, लेकिन राजा धृतराष्ट्र उसका सम्मान करते थे। संजय विद्वान ग्वालगण नामक सूत्र के पुत्र थे और जाति से बुनकर भी थे। हमारे पौराणिक ग्रंथ महाभारत की कहानियाँ बताती है कि संजय बेहद विनम्र और धार्मिक स्वभाव के थे। देश के पहली और एकमात्र ऑनलाइन देसी एक्सरसाइज क्लोपिक भारत कोश में भी संजय के बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन संजय को धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध से ठीक पहले पांडवों के पास बातचीत करने के लिए भेजा था, लेकिन वहां से आकर उन्होंने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का संदेश सुनाया। वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे, बेशक वो धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे, लेकिन इसके बाद भी वो पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। वह भी धृतराष्ट्र और उसके पुत्र अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने से हिचकते नहीं थे दोस्तों, लेकिन संजय हमेशा राजा को समय समय पर सलाह देते रहते थे। जब पांडव दूसरी बार जुआ से हार कर 13 साल के लिए वनवास में गए थे तो संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि हे राजन, कुरुवंश का समूल नाश तो पक्का है, लेकिन साथ में गिरी प्रजा की नाहक भी मारी जाएगी। हालांकि धृतराष्ट्र उनकी स्पष्टवादी पर अक्सर छुप भी हो जाते थे। जब ये पक्का हो गया था दोस्तों कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता है, तब महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी बातें महल में बैठकर सभी को देख सके और उसका हाल धृतराष्ट्र को भी सुना सके। इसके बाद संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हर अंश सुनाया। ये भी कहा जा सकता है कि वो हमारे देश के सबसे पहले कमेंटेटर भी रहे थे। संजय के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि वो यदा कदा युद्ध में भी शामिल होते थे। युद्ध के बाद महर्षि व्यास जी की दी हुई दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गई थी। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था, संजय ने भी उसे दिव्य दृष्टि से देख लिया था। संजय को दिव्य दृष्टि मिलने का कोई वैज्ञानिक आधार महाभारत या बाद में ग्रंथों में नहीं मिलता है, इसे महर्षि वेद व्यास का चमत्कार ही माना जा सकता है। गीता पर कालांतर में लिखी गई है कि टीकाओं में इस विषय पर कोई ठोस समाधान नहीं दिए गए हैं। महाभारत युद्ध करीब खत्म होने ही वाला था कि कौरव की ओर से ज्यादातर बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। इसके 18वें दिन जब कौरव की सेना का फिर बुरी हाल हो गया था, तब पांडव सेना के आक्रमण से वो एक बार में ही खत्म हो गई थी। जब दुर्योधन ने देखा कि उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं रहा तो दैपाने के सरोवर में छिप गया था दोस्तों, ये तो आप सभी देखे थे। लेकिन जब भीम ने आकर दुर्योधन को लड़कारा, भीम और दुर्योधन ने गदा युद्ध हुआ जिसमें दुर्योधन आखिर मारा गया। इसके साथ ही 18वें दिन महाभारत के युद्ध का भी अंत हो गया। संजय की दिव्य दृष्टि भी इसके साथ ही खत्म हो गई थी। दोस्तों आपको क्या लगती है, क्या संजय सच में कृष्ण भक्त था?
क्या वो पांडव का साथ देना चाहता था? आप हमें कमेंट में बताएं। और इसी तरह का यदि वीडियो देखना चाहते हैं और यदि भगवान कृष्ण को आप सच्चे दिल से चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।